हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक नए वीडियो में रॉयल साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित होंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इससे पहले के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे वो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उससे आगे के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चंस पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके अपने इस चैनल पर 9th क्लास से 12th क्लास के लिए साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप सभी दोस्तों का। और हाँ, यदि आप सपोर्ट करते हो तो इस स्क्रीन रिकॉर्डर से जल्द ही हम एक डिजिटल बोर्ड पर होंगे, तो आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सुमेलित नहीं है। रेड टेस्टिस, एम्पुला, बासा एफ्रेंसिया, एपीडाइडाइमिस। तो कौन सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एपीडाइडाइमिस। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। स्पर्मियोजेनेसिस से क्या तात्पर्य है। स्पर्मेटिड का स्पर्म में रूपांतरण, स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटिड में रूपांतरण, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में रूपांतरण, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में रूपांतरण। तो क्या है इसका, ऑप्शन ए सही आंसर है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वह रचना जो विकसित भ्रूण के प्लीसेंटा से जोड़ने का कार्य करती है। नाभिरज्जु, एमनियन, यॉर्क सैक, कोरियन। तो कौन सी रचना है वह, क्वेश्चन नंबर 23, नाभिरज्जु। ठीक, एमनियन प्लीसेंटा और जो भ्रूण होता है उसके अंदर एक बीच में एक फ्लूड पाया जाता है, इसे एमनियन फ्लूड कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। वह हार्मोन जो गर्भाशय को गर्भधारण करने व गर्भ के विकास के लिए तैयार करता है, स्रावित होता है कॉर्पोरा कॉर्डिया का, कार्पस लुटियम, कॉर्पोरा एल्बिकेंस, ग्रेफियन फॉलिकल। तो कहाँ से सेक्रेशन होता है उसका, 24 का सही आंसर है कार्पस लुटियम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या कहता है आपसे। यदि स्त्रियों एवं पुरुषों के जननों की एक जनन कोश अर्धसूत्री विभाजन करना प्रारंभ करे तो उत्पन्न अंडाणु एवं शुक्राणु की संख्या का अनुपात होगा। तो इसका सही जवाब है 1:1, 1:2, 1:4, 1:8। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है 1:4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संरचनाएं भ्रूण या अंतःजनन स्तर से विकसित होंगी। आहार नाल एवं श्वसन अंग, मांसपेशियां तथा रक्त, उत्सर्जी एवं जनन अंग, त्वचा एवं तंत्रिका रज्जु। कौन से विकसित होंगी भ्रूणीय अंतःजनन स्तर से, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है आहार नाल एवं श्वसन अंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनद की कौन सी कोशिकाएं अघोड़ित होती हैं। स्पर्मेटोगोनियल कोशिकाएं, जननिक एपिथीलियमी कोशिकाएं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक ऊ स्पर्मेटिक साइट। तो कौन सी होती है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या कहता है। किस में स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो कहाँ होता है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, शुक्राणु में उपस्थित लाइटिक एंजाइम है। लाइगेज, एस्ट्रीजिनेज, एंडोजिनेज, हाइलुरोनिडेज। तो कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन डी हाइलूरोनी डेज, शुक्राणु में उपस्थित लाइटिक एंजाइम हाइलूरोनी डेज, जहां ए शब्द आ जाए वो क्या होता है एंजाइम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मानव विसरण में सर्टोली कोशिकाएं पोषण का कार्य करती हैं, अतिरिक्त इससे स्रावित हार्मोन है गोनोडोट्रोपिन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहिबिलिन, तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन डी इनहिबिलिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मासिक धर्म का प्रारंभ स्त्रियों में कहलाता है मोनोपॉज, प्यूबर्टी, गैस्ट्रेशन, मेनार्क, तो क्या कहलाता है। 31 का सही आंसर है मेनार्क, या इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। अब देखते हैं 32, एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक में, गोल्जीकाय में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो गोल्जीकाय का एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है, इसका सही आंसर है गोल्जीकाय से। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33, चार प्राथमिक शुक्राणुओं से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा, 1, 4, 16, 32, कितने का होगा, 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की बात करते हैं, अंडाणु जनन के दौरान रचनाएं जो अंडों से अलग हो जाती हैं कहलाती हैं पोलर बॉडी, द्वितीयक एंडोस्पर्म, हेरिंग बॉडी, हेला कोशिकाएं, तो क्वेश्चन नंबर 34 पोलर बॉडी कहलाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, यकृत एवं अंगनाशय के निर्माण किस भ्रूणीय जनन स्तर से होता है, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर, अंतः जनन स्तर, और बाह्य एवं मध्य जनन दोनों स्तरों से, तो किससे होता है। इसका सही जवाब है क्वेश्चन 35 का अंतः जनन स्तर से। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है अंतः जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से, बाह्य जनन स्तर से, अंतः जनन स्तर से, किससे विकसित होता है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है ऑप्शन सी बाह्य जनन स्तर से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अंडाशय से निकलते समय मानव अंड में होता है एक बाह्य अंड गुणसूत्र, दोनों एक्स गुणसूत्र, तो क्या होते हैं, दोनों एक्स गुणसूत्र, क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक एक्स गुणसूत्र होता है अंडाशय से निकलते समय एक मानव अंड में होता है एक एक्स गुणसूत्र। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, निषेचन के दौरान शुक्राणु का वह भाग जो अंडे में प्रवेश करता है, शीर्ष, पुच्छ, मध्य भाग, संपूर्ण शुक्राणु, तो कौन सा करता है, शीर्ष करता है, शीर्ष, ऑप्शन ए सही है। 39 को देखते हैं, भ्रूण में होने वाला विभाजन अर्धसूत्री, समसूत्री, विदलन, रूपांतरण क्या है, तो 39 का सही जवाब है विदलन यानी क्लीवेज, भ्रूण में होने वाला विभाजन क्लीवेज। आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, एक मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग कब होता है, 11-14 दिनों, 14-16 दिनों, 15-28 दिनों, 21-26 दिनों, तो कब होता है, क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है 14-16 दिनों में। तो आज के ये 20 क्वेश्चंस आप दोस्तों को कैसे लगे, यदि अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। आज के वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।